हे गाइस, आई एम सुमन। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये वीडियो भी रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कॉमिक का ये वीडियो है, देखिए। और अच्छा लगे तो हमारे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा हमें लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारे बाल बहुत उलझे हुए हैं, तो मैं अब आपको बाल सुलझा के दिखाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाल होने के बाद हमारा बाल बहुत ड्राई हो गया, और इसके बाद मैं कॉम कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा बाल हमारा उलझ गया है। तो हम दो भागों में पार्टीशन कर लेंगे अपने बाल को, नहीं तो ये सुलझने वाला नहीं है फ्रेंड्स। और इससे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल भी होगा अगर हम दो भागों में नहीं करेंगे, पार्टीशन नहीं करेंगे अपने बालों को। तो ऑलरेडी बहुत उलझ गए हैं। तो कभी भी आपके बाल अगर उलझ जाए तो आप पार्टीशन करके ही बाल को सुलझाइए। और मेरे बाल बहुत लंबे हैं फ्रेंड्स, तो मैं बाल को वॉश करके, अगर हेयर वॉश करके तुरंत बाल को नहीं सुलझाती हूँ, अगर हेयर ड्राई हो जाता है तो हमारा यही हाल होता है, सुलझने में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो आप कर लिया कीजिए ताकि आपका बाल पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े और बाल ज़्यादा टूटे नहीं। और आपने ये कमेंट किया था फ्रेंड्स कि ड्राई हेयर कॉम्बिंग कीजिए, तो इसीलिए मुझे ये ऐसे करना पड़ा। पूरे अपने बाल को ड्राई करने के बाद हेयर को कॉम कर रही हूँ, जिससे हमारा बाल इतना उलझ गया है। बट मैं ऐसा करती नहीं हूँ, मैं हेयर वॉश करके तुरंत अपना बाल को सुलझा लेती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा हमारे बाल उलझ जाते हैं। बट आपका रिक्वेस्ट था तो हमें करना ही था।
फ्रेंड्स आजकल आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। आप लोग के कमेंट से ही तो इतना वो मिलता है, हिम्मत मिलती है फ्रेंड्स कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना पाऊँ, ये तो आप समझ ही सकते हो। तो प्लीज़ आप लोग आप देख ही सकते हैं फ्रेंड्स हमारे बाल किस तरह से उलझ गए हैं, और ये सिर्फ मैंने आपकी वजह से ये रिक्वेस्ट पूरा किया है, नहीं तो मैं बाल हेयर वॉश करके तुरंत मैं अपने बालों को कम कर लेती हूँ, कंघी कर लेती हूँ, नहीं तो मेरा यही हाल होता है। तो बहुत दिन से ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि ड्राई हेयर कॉमिंग कीजिए मैम, बाल को एकदम उलझे हुए बालों में कम कंघी कीजिए, तो मैंने सोचा मैं एक वीडियो बना ही देती हूँ आपके लिए, बहुत सारे ही रिक्वेस्ट आए थे तो मैंने सोचा मैं बना देती हूँ। तो फ्रेंड्स इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें लाइक कीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। मुझे आपके कमेंट पढ़ के रिप्लाई देने में बहुत ही अच्छा लगता है, और आप लोग जो सजेशन देते हैं लगता है कि हमारा कोई अपना है, और वैसे भी YouTube फैमिली तो हमारी है ही, एक हमारी अपनी फैमिली है, एक आप लोग की फैमिली है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग का कमेंट पढ़ के रिप्लाई करने में। सो प्लीज़ आप लोग हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इस तरह से करके यहाँ पकड़ लेने पे और बाल ज़्यादा नहीं दुखेगा, तो आप लोग का भी अगर बाल उलझ जाए तो आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। और इस वीडियो के बाद जब मैं कॉम कर लूँगी, इसका नेक्स्ट वीडियो में अपनी हेयर को थोड़ा सा कट करूँगी, और अपनी डॉटर्स का भी करूँगी, तो वो वीडियो भी जल्दी आने वाला है। तो आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो का भी वेट कीजिएगा, मैं जल्दी डालूँगी। और उसके लिए भी बहुत सारे कमेंट आए थे कि थोड़ा सा ट्रिम कीजिए मैम अपने बालों को, थोड़ा सा हेयर को ट्रिम कीजिए, तो मैं वैसा ही करूँगी आपके सजेशन के अकॉर्डिंग। मुझे भी लग रहा है मेरे बाल थोड़ा सा नीचे से वो हो गए हैं, ऊँचे नीचे टाइप से हो गए हैं, तो थोड़ा सा ट्रिम कर लूँगी तो हमारे बाल खूबसूरत हो जाएंगे। और थोड़ा सा काटने से बाल बढ़ता भी है और हेयर फॉल भी रुक जाती है फ्रेंड्स। और बाल को थोड़ा सा ट्रिम कर लेंगे अगर आप,
महीने में, मतलब 2 महीने 3 महीने में एक बार जरूर बाल को ट्रिम कर लेना चाहिए नीचे से, इससे दो मुंहे बाल नहीं होते हैं। और जिनका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है वो तो जरूर है इसको फॉलो कीजिए फ्रेंड्स, जरूर थोड़ा सा बाल को अपने काट लीजिए नीचे से, देखिएगा तुरंत रुक जाएगा आपका बाल झड़ना, हेयर फॉल होना तुरंत रुक जाएगा। तो डन हो गया, हमारा बाल सुलझ गया, आप देख सकते हैं एकदम सुलझ गया। तो चलिए मैं दोनों बालों को एक साथ करके आपको दिखाती हूँ। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो हमें जरूर कमेंट में बताइएगा, कमेंट करना नहीं भूलिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा हमारे वीडियो को। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो नई रिक्वेस्ट के साथ, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर, आई लव यू, बाय बाय।